नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वजीत लेके आया हूं आपके लिए कमाल की एक और नई वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2021 विटारा ब्रेजा VXI BS6 1.5 लीटर पेट्रोल का एक जो है ब्रीफ रिव्यू। अगर आपको इस विटारा ब्रेजा का डिटेल्ड रिव्यू एंड ड्राइव रिव्यू की ये गाड़ी चलाने में कैसी और 2021 में क्या ये आपको गाड़ी लेनी चाहिए और इसकी कई ज़्यादा रील्स देखनी हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दे और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर से रख लेना। दोस्तों रखते हैं इन बातों को साइड में और बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है 2021 विटारा ब्रेजा का ऐसा कुछ फ्रंट लुक। अब फ्रंट ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर गाड़ी दिखती है। इसके अंदर आप नीचे बम्पर पे नोटिस कर रहे होंगे कि इसके अंदर फॉग लैंप्स नहीं दिए जाते, ये VXI वेरिएंट है। इसके अंदर आपको स्मार्ट की फॉब दिख जाता है, ये लॉक एंड अनलॉक। यहाँ पे जो DRLs है वही आपके जो है साइड इंडिकेटर्स भी बन जाते हैं। खुल के देख लेते हैं कार को अंदर से, तो ऐसी कुछ है अंदर से ये कार। अब ये डिलीवरी होने वाली है इसलिए कार पूरी रैप्ड है। इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं नॉर्मल फैब्रिक सीट्स और ये हम आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कीलेस एंट्री। तो अगर मैं ये चाबी अपनी जेब में रख देता हूँ और इसके पास आता हूँ तो इस बटन से मैं इस गाड़ी को अनलॉक कर सकता हूँ। अब आ जाते हैं कार के अंदर, बैठते हैं कार के अंदर और मैं आपको बाकी ज़्यादा एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऐसा कुछ इसका स्टीरियो। यहाँ पे आपको कोई भी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने को नहीं मिलती, नॉर्मल स्टीरियो। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ CD ऑक्स और कई सारे जो है मोड्स को सपोर्ट करता है। बटन से इसका वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलता है इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। यहाँ पे एक बहुत जो बढ़िया बात है कि VXI से ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है। ये इसकी कुछ ऐसी MID, इसके ऊपर बाद में आता है, पहले बात कर लेते हैं इसके बाकी फंक्शंस की। तो ये है इसके हेडजार्ड लाइट स्विच। यहाँ पे आपको दो ग्लो बॉक्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ऊपर आपको कूल्ड ग्लो बॉक्स है जिसके अंदर आप अपनी बॉटलों को ठंडी रख सकते हैं और नीचे आपको एक देखने को मिलता है नॉर्मल ग्लो बॉक्स। नीचे की साइड यहाँ पे आपको USB एंड ऑक्स केबल देखने को मिलता है और साइड में 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिलता है। ये ऐसा कुछ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ पे आपको देखेंगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड देखने को मिलेंगे RPM के कंट्रोल्स, बीच में छोटी सी MID एंड राइट साइड में आपको देखने को मिलती है स्पीड जो कि टॉप स्पीड 220 तक है, 200 या 210 तक की रियल टॉप स्पीड होगी। ऐसा कुछ मिलता है स्टीयरिंग व्हील, नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील है, लेदर रैप्ड नहीं है। यहाँ पे आपको साइड में लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स एंड जो राइट साइड में कुछ नहीं है। ये है इसका कुछ ऐसा IRVM, मैनुअल IRVM है। यहाँ पे आपको मैनुअल हैंडब्रेक भी देखने को मिल जाती है। आइए चलते विटारा ब्रेजा रियर सीट में और दिखाता हूँ कि रियर सीट एक्सपीरियंस कैसा है। तो ये है इसका कुछ रियर डोर, काफ़ी ज़्यादा वाइड खुलता है, बैठने में कोई भी तकलीफ नहीं होती। यहाँ पे आपको एक जो चीज़ की कमी होगी वो है इसका रियर एसी वेंट। यहाँ पे रियर एसी वेंट नहीं है लेकिन जो स्पेस है वो अच्छी खासी है। एक सेकंड में आपको बैठ के भी दिखा देता हूँ। तो ये मैं बैठ गया हूँ कार के अंदर और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। मैंने फ्रंट सीट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट की थी। यहाँ पे आपको जो है रियर पार्सल सेल्फ नहीं मिलती, VXI में नहीं मिलती। आप ZXI पे अपग्रेड कर सकते हैं या फिर आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं। ये इसका कुछ ऐसा डैशबोर्ड लुक रियर से। क्या आ गए हम विटारा ब्रेजा के साइड लुक में, ऐसी कुछ दिखती है साइड से, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल नहीं मिलते लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कीलेस एंट्री। यहाँ पे आपको साइड मिरर्स पे ही जो है टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। ये कुछ ऐसे टायर्स, इसके अंदर डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे जो कि डिटेल रिव्यू होगा। और ऐसी कुछ दिखती है फ्रंट से कार, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। सिर्फ एक चीज़ की कमी है जो है फॉग लैंप, जो कि आप काफ़ी सस्ते मारुति से या फिर आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं, इसकी कोई भी आपको कमी नहीं रहेगी। यहाँ पे आपको मिलता है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि 105 PS की पावर 138 Nm का टॉर्क निकलता है। इसका सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। ये इसके ऐसा कुछ रियर लुक। यहाँ पे आपको VXI में भी LED टेल लाइट देखने को मिल जाती है और बीच में बड़ी सी क्रोम की बैजिंग है जिसके अंदर आपको विटारा ब्रेजा लिखा हुआ मिलता है। आइए चलते हैं खोल के देखते हैं बूट और देखते हैं इसके अंदर बूट स्पेस आपको कितनी मिलती है। यहाँ पे आप अगर कार अनलॉक होगी तो यहाँ पे एक बटन है जिससे आप बूट खोल सकते हैं। ये हमने खोल लिया बूट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया पार्सल सेल्फ नहीं है लेकिन जो इसकी बूट साइज़ है वो आप पीछे से देख रहे होंगे, स्क्रीन पे आपको आ रही होगी। आइए कर लेते हैं इसका बूट क्लोज एंड फिर चलते हैं दूसरी चीज़ों के लिए। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये ब्रीफ है यानी मोटी मोटी जानकारी है। ये कार अभी डिलीवर होने वाली है, हमारे ही एक काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड के साथ डिलीवर होने वाली है। तो आपको इसका अगर एक डिटेल्ड रिव्यू चाहिए, कार का एक ड्राइविंग रिव्यू चाहिए कि गाड़ी चलाने में कैसी है, इसकी ड्राइव कितनी अच्छी है, क्या आपको 2021 में इतने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि ये जो VXI वेरिएंट है ये आपको 8 से 8.5 लाख रुपये का पड़ता है, और इनको कितने में पड़ा, जो ओनरशिप एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा, इसके बारे में अगर डिटेल चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट भी जरूर कर देना। मैं इसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ और इंस्टाग्राम पे @विश्वजीत फॉलो कर देना। इस गाड़ी की रील और काफ़ी ज़्यादा नई नई रील्स देखने को मिलती है, मैं मेरी CS के साथ भी काफ़ी ज़्यादा रील्स पोस्ट करता हूँ। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, साथ चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने धन्यवाद, थैंक यू सो मच।